दोस्तों, यदि आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है या आपका मोबाइल फ़ोन बहुत पुराना हो गया है तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की चार इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। यदि आप इन चार सेटिंग्स को अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर अप्लाई करेंगे तो आप अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन कितना भी पुराना हो या नया हो, सिर्फ एंड्रॉयड होना चाहिए। इन चार सेटिंग्स को करने के बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। उससे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं सबसे फर्स्ट नंबर की ट्रिक के ओर। दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में आना है। दोस्तों, यदि आप इन चार सेटिंग्स को अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर अप्लाई करेंगे ना तो आप अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी की जो ड्रेनिंग प्रॉब्लम है ना उसको सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, आपको दोस्तों नीचे आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने मिलेगा सिस्टम सेटिंग्स का, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है डेवलपर ऑप्शन, इसके अंदर आपको दोस्तों दो सेटिंग करनी है। यदि आप इन चार सेटिंग्स को कर लेते हैं ना तो आपके जो मोबाइल फ़ोन की बैटरी ड्रेनिंग हो जाती है ना वो दोस्तों नहीं होगी। ठीक है, आपको दोस्तों नीचे आना है, आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर नीचे आना है दोस्तों, आपको एक सबसे फर्स्ट नंबर की ट्रिक को अप्लाई करना है डेवलपर ऑप्शन के अंदर। दोस्तों, ये रही वाईफाई स्कैन थ्रोटलिंग। ठीक है, इस सेटिंग को दोस्तों आपको इनेबल कर देना है। दोस्तों, रिड्यूस बैटरी ड्रेन एंड इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। अब यदि आपकी मोबाइल फ़ोन की बैटरी एकदम से ड्रेन हो जाती है ना तो इस सेटिंग को करने के बाद अब दोस्तों पहले से ज़्यादा आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी चलेगी और ड्रेन भी नहीं होगी। ठीक है, अब दोस्तों इसी के अंदर आपको दो से नंबर की सेटिंग करनी है, ध्यान से देखना। आपको दोस्तों ऊपर आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन है, ध्यान से देखना दोस्तों, ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट। अब दोस्तों ये यहाँ पर ऑन मिलेगा। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन रहती है ना दोस्तों, ये सेटिंग यदि यहाँ पर ऑन रहेगी तो आपका मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिक अपडेट होने लगेगा। ठीक है, जिससे आपके मोबाइल फ़ोन की जितनी भी बैटरी होती है ना वो दोस्तों ड्रेन हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको दोस्तों करना क्या है, इस सेकंड नंबर की ट्रिक को यहाँ से बंद कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस सेटिंग को करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं थर्ड नंबर की ट्रिक की ओर। दोस्तों यहाँ से आपको बैक आना है, बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आना है, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन रहती है जिसका नाम है प्ले स्टोर। ठीक है, इसके अंदर आपको दोस्तों सेटिंग करनी है तीसरे नंबर की। आपको दोस्तों प्रोफाइल पर क्लिक करना है, यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन है सेटिंग्स का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन है नेटवर्क प्रेफरेंसेस, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, डोंट ऑटो अपडेट, डोंट ऑटो प्ले वीडियोस। अब दोस्तों करना क्या है, आपको इसको यहाँ पर डोंट ऑटो अपडेट और डोंट ऑटो प्ले वीडियोज़ पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन के जो प्ले स्टोर के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है ना वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगी और जो प्ले स्टोर के अंदर छोटी छोटी वीडियो हैं वो बैकग्राउंड में नहीं चलेंगी, जिससे आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट नंबर की ट्रिक। आपको दोस्तों अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर एक सेटिंग रहती है, ध्यान से देखना, आपको यहाँ पर सर्च करना है बैटरी सेवर। ठीक है, इस सेटिंग को दोस्तों ऑन कर देना है, बैटरी सेवर। ठीक है, ऊपर ही आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगी। यदि आप दोस्तों इस सेटिंग को यहाँ से इस तरीके से ऑन रखेंगे ना तो आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी दोस्तों 4-5 दिन तक लगातार चलती रहेगी और ड्रेन भी नहीं होगी। ठीक है, आपको दोस्तों इस सेटिंग को ऑन कर देना है और बैटरी का कलर येल्लो हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इन चार सेटिंग्स को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अप्लाई करेंगे तो आप अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो को नया सीखने को मिला तो वीडियो को प्यार सा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों एक प्यार सा कमेंट भी जरूर करना। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका दिन शुभ हो।